आपको क्या लगता है कि आपकी जो एग्जाम डेट 18 फरवरी होनी चाहिए कि आपका जो एग्जाम डेट है बढ़नी चाहिए? अगर एग्जाम डेट बढ़ जाएगी तो क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा? और जिसकी तैयारी अच्छी है वो लोग सोच रहे हैं कि एग्जाम डेट 18 फरवरी को होनी चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल श्याम क्लास स्टडी में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो आपकी एग्जाम डेट यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 की, जिसके पद है 60,244 और जो इंटरनल एग्जाम डेट वायरल हुई थी 18 फरवरी 2024 में बताई गई थी, और आप लोग 18 फरवरी 2024 को मान करके ही तैयारी कर रहे हो। और आप लोग जानते हैं कि आज है 24 जनवरी 2024, और बहुत से लोग जो तैयारी कर रहे हैं आप लोग सोच रहे हैं कि एग्जाम डेट बढ़ जाने चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म पड़े लगभग 50 लाख, लगभग क्या 50 लाख प्लस ही फॉर्म पड़े हुए हैं। तो बहुत से लोग जो नए नए तैयारी करने वाले सभी हमारे भाई बहन हैं, वो लोग ये सोच रहे हैं कि जो हमारी एग्जाम डेट है वो थोड़ी बढ़ जानी चाहिए, जिससे हमें और अच्छी तैयारी करने का मौका मिल जाए। लेकिन उसी में कुछ हमारे भाई ऐसे हैं और बहनें ऐसी हैं जो काफ़ी समय से पहले से तैयारी कर रहे हैं, वो लोग ये सोच रहे हैं कि फटाफट से एग्जाम करा लिया जाए और हमें रिजल्ट दे करके, हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के, हमारा मेडिकल करा के हमें फटाफट से जॉइन लेटर दे दिया जाए। लेकिन अब बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि एग्जाम डेट बढ़ जाए और बहुत से लोग सोच रहे हैं कि एग्जाम डेट नहीं बढ़ने चाहिए। तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में बताने कि या आपको जो एग्जाम है 18 फरवरी 2024 को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से जो एग्जाम डेट है वो थोड़ी बढ़ जाने चाहिए। क्यों आप लोग ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोग जानते कि जो गांव में तैयारी करने वाले भाई बहन होते हैं ना, उन्हें मौका नहीं मिल पाता पढ़ने का, जिससे वो लोग मन लगा करके तैयारी नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों के पास इतने संसाधन के कमी होने के वजह से बहुत से लोगों के पास मोबाइल में रिचार्ज नहीं हो पाता, बहुत से लोग गांव के दूर दराज कोचिंग पढ़ने नहीं जा पाते, जिससे उन लोगों को जब भी तैयारी करने का मौका मिलता है, जब उन्हें पता चलता था कि वैकेंसी आ गई है, उससे पहले वो तैयारी नहीं करते, क्योंकि लोग बागों को गाँव में इतनी जानकारी नहीं होती है। तो अगर उनको सिलेक्शन मिल जाए तो उन लोग घर पर भी खुशियाँ दौड़ जाएंगे। फिर भी मैं एक बात कहूँगा, चाहे आप 18 फरवरी को एग्जाम कराया जाए, चाहे आपका किसी अन्य डेट में एग्जाम कराया जाए, अगर आपका सिलेक्शन होगा तो आपका 18 फरवरी को ही हो जाएगा, और अगर आपका सिलेक्शन होगा तो जिस अन्य डेट में आपका एग्जाम होगा उसी डेट में आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, बहुत से लोग सोचेंगे नहीं अभी करा लिया जाए, हमारा अभी निकल जाएगा। आप अगर इस कॉन्फिडेंस में हो, अगर आपको अभी एग्जाम करा लिया जाएगा, बाई चांस अगर आपका एग्जाम ना निकला तब आप अपने आप को क्या दोष दोगे? हाँ, जब आपका एग्जाम देने जाओगे उसके बाद जब अपने आंसर की मिलाओगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके गलत हो जाएंगे, फिर आप लोग ये सोचो कि थोड़ा और मौका हमको मिल गया होता तो हमारे अंदर जो कमियां हैं उसे हम दूर कर लेते। तो अभी आपको अगर मौका मिलता है तो आपके अंदर जो भी कमियाँ हो उन कमियों को दूर करने की पूरी पूरी कोशिश करना, क्योंकि एक बार मौका मिलता है, अगर आप इस मौके में सिलेक्शन नहीं ले पाए तो फिर आप लोग समझ लेना कि आपका किसी अन्य वैकेंसी में सिलेक्शन होगा। लेकिन यूपी पुलिस में 60,244 पदों की जो भर्ती प्रक्रिया और इसमें 50 लाख फॉर्म पड़े हैं, इसमें आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो तैयारी करते रहिएगा, अगर एग्जाम डेट बढ़ेगी तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बढ़ती है तो आपकी जो एग्जाम डेट आपको मालूम है इंटरनल एग्जाम डेट जो 18 फरवरी 2024 को वायरल हुई थी, ठीक है, क्योंकि आपने देखा कि सभी जिलों के जिला अधिकारियों को वो लेटर भेजा गया था जिससे वो लेटर वायरल हो गया था। अभी भारतीय बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नहीं बताया गया था कि हम हैं जो आपकी 18 फरवरी को परीक्षा कराने वाले हैं, लेकिन फिर भी आप संभावित तथ्य को मान करके चल रहे हैं कि 18 फरवरी, और मैं आपको गारंटी बताऊं कि आपकी जो एग्जाम डेट है वो 100% बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि जो भारतीय बोर्ड ने पहले 30 से 32 लाख फॉर्म की अपेक्षा की थी कि इस बार 30 से 32 लाख फॉर्म आने वाले हैं, लेकिन आपने देखा 50 लाख फॉर्म पड़ चुके, तो भर्ती बोर्ड को देख पता चल चुका कि 20 से 18 लाख फॉर्म है वो उनके अकॉर्डिंग ज़्यादा आ गए हैं, तो वो तैयारी उसी के हिसाब से करेंगे ना। 50 लाख का उन्हें पेपर कराना है तो तैयारी कराने में समय तो लगता ही होगा, 50 लाख फॉर्म भी पढ़ने के बाद उनका सबों का एग्जाम सेंटर शेड्यूल करना, एडमिट कार्ड तैयारी करना, और जो 50 लाख का पेपर बनाए जाएंगे किसी अन्य राज्य से पेपरों को बनवाया जाता है, ना कि यूपी में ही ये क्वेश्चनों को सिलेक्ट किया जाता है। अगर यूपी में पेपर बनेगा तो फिर इसी तरीके से वायरल कर दिया जाएगा ना पहले से ही, ठीक है, किसी अन्य राज्य से पेपर बनता है
तब जाकर के हमारे राज्य में बैठ 18 फरवरी 2024 को होगा, जो कि हमारी एग्जाम डेट प्रस्तावित है। अगर आप चाहते कि एग्जाम डेट बढ़े तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। बाकी की आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताना। वीडियो अगर आपको ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, ना पसंद आए तो बेझिझक होकर के वीडियो को डिसलाइक जरूर करके जाना है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना। मिलते पाए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे भाई और बहन।